हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त, सबको बहुत ही पसंद आने वाला कढ़ाई मुर्ग की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 500 ग्राम चिकन को मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 3 कटे हुए बैंगलोर टमाटर, 3 कटे हुए मीडियम साइज के प्याज, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 8 से 10 सूखी लाल मिर्च, 50 ग्राम साबुत धनिया, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची, 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता। गैस की फ्लेम को ऑन कर मैंने कढ़ाई को रख लिया है। अब हम उसमें मिर्ची को मीडियम फ्लेम में हल्का सा तल लेंगे। उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम धनिया को भी डालकर उसको भी हम हल्का सा भून लेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे, निकाल कर रख देंगे। अब हम ज़ीरे को भी इसी तरह से हल्का सा भूनकर इसको भी हम निकाल कर 20 सेकेंड मसाले को हम भूनने के बाद एक एक कर हम मिक्सी में धरधरा पीस कर हम अलग अलग रख लेंगे इस तरह से। अब एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल को ऐड कर देंगे। तेल को गर्म होने देंगे, दालचीनी लौंग इलायची को ऐड कर देंगे और आधा मिनट इसको सौटे कर लेंगे। तेज पत्ते को भी ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इस प्याज को तल लेंगे। आधा ही तलेंगे, ज्यादा नहीं। हमारा प्याज आधा फ्राई हो चुका है। अब हम उसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड कर देंगे। आधा मिनट तक अच्छे से हम इसको सौटे कर लेंगे ताकि इसकी महक निकल जाए। आधा मिनट सौटे करने के बाद हम सारे चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। सारा पानी निकाल कर हम चिकन को ऐड करेंगे। और इसको 2 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से चिकन को भूनने के बाद आधा टीस्पून हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम टमाटर को ऐड कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद
अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम टमाटर को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, आधा ही गलाएंगे मीडियम फ्लेम में ढक्कन को बंद कर कर। अब हम लिड को खोल लेंगे। टमाटर हमारा आधा गल चुका है। जो मसाले को हमने धरधरा पीस कर रखा था उसको एक एक कर कर इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। पाव टीस्पून गरम मसाले को ऐड कर देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जो गरम मसाले का पाउडर मैंने यूज़ किया है वो दालचीनी लौंग इलायची का पाउडर है। हम 2 से 3 कप पानी को ऐड कर देंगे। हम अच्छे से मिलाकर इसको हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। लीड को बंद कर देंगे। पाँच से सात मिनट हो चुका है, अब हम इसको मीडियम फ्लेम में रख देंगे। सारा पानी को हम सुखा लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें सेमी ग्रेवी रखेंगे। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन गल चुका है कि नहीं। देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हरी धनिया के पत्ते को ऐड कर देंगे और अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको सर्विंग कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारा कढ़ाई मुर्ग तैयार हो चुका है। आप इसको कूट कर भी बनाएं या मिक्सर में धरधरा पीस कर भी बनाएं, ये बहुत ही लाजवाब होता है खाने में। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद आप बार बार इसको ट्राई करते रहेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसको गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए और अपने कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।